आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शाहजहांपुर, बरेली और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 2 बजे शाहजहांपुर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम। 4 बजे बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। दोनों जिलों में कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। 5:35 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। यूपी सदन में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर, बरेली और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं 5:35 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। यूपी सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई कार्यक्रम है, शाहजहांपुर, बरेली और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 2 बजे शाहजहांपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे, साथ ही 4 बजे बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। दोनों जिलों में कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 5:35 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। यूपी सदन में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। योगी आदित्यनाथ का आज कई कार्यक्रम होना है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, शाहजहांपुर, बरेली और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, आज उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम है। आज वो शाहजहांपुर में पहले अपने दौरे पर रहेंगे, जहां वो 308 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो प्रबुद्ध समुद्र में शामिल होंगे और शाहजहांपुर के बाद फिर वो बरेली का रुख करेंगे। बरेली में जाएंगे, वहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, एक प्रभु सम्मेलन है वहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद वो दिल्ली जो है 5:35 पर वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे और यूपी सदन दिल्ली में जाएंगे। इसके बाद से वहाँ एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, फिर उसके बाद एक जो अशोका होटल का कार्यक्रम है वहाँ वो शिरकत करने के बाद, उस कार्यक्रम के बाद वो फिर जो है यूपी सदन दिल्ली में वापस आ जाएंगे और रात का विश्राम जो है यूपी सदन दिल्ली में करेंगे। मेयूरी विवेक, कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आज शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और काफी व्यस्त कार्यक्रम है। आज शाहजहांपुर से बरेली और दिल्ली जो है 3 जगहों पर उनको कार्यक्रम करना है, कार्यक्रम में शिरकत करना है, जहाँ पे शाहजहांपुर में 308 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करना है, फिर उसके बाद बरेली में एक प्रभु सम्मेलन में शामिल होना है, उसके बाद दिल्ली के जो अशोका होटल में जो कार्यक्रम है वहाँ पे उन्हें शामिल होना है। तो इस तरह से सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर जो पुलिस अधीक्षक जो है, जो SSP या जिला प्रशासन, वो पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी के साथ जिस प्लस की सिक्योरिटी रहती है, जो उनके निजी कमांडो होते हैं, जो एनर्जी के कमांडो होते हैं, वो तैयार है। और जो जिला प्रशासन है DM से लेकर SSP तक, वो अपनी 4-4 सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता वहाँ पे मौजूद बनाए हुए हैं। मयूरी, विवेक कई दौरे पर है सीएम योगी और कहा गया है कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, क्या कुछ शामिल है इसमें? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शाहजहांपुर में 308 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जो काफ़ी समय से स्थगित थी। अभी 2 दिन पहले जो अनुपूरक बजट पेश किया गया था, इसमें 34,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जो है इन योजनाओं पे खर्च करनी
खर्च की जाएगी, इसके तहत स्मार्ट सिटी और 2000 करोड़ रुपए जो है और सड़कों के चौड़ीकरण के लिखे गए, तो शाहजहाँपुर में कुल 308 करोड़ की जो लागत है परियोजनाओं की उनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जो बरेली में एक प्रबुद्ध सम्मेलन है वहाँ पर वो शिरकत करेंगे और उस सम्मेलन के बाद वो तुरंत जो है वो दिल्ली जो है यूपी सदन दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे 5:30 बजे, और उसके बाद से जो है अशोका होटल का जो है कार्यक्रम है वहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद पुनः जो है दिल्ली के यूपी सदन में वो रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन लखनऊ आ जाएंगे। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री आज से विदेशी दौरा करेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कनाडा जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई मंत्री विदेशी दौरे पर रहेंगे, मुख्यमंत्री के चारों सलाहकार भी विदेश जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी विदेशी दौरा करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, उत्तर प्रदेश के मंत्री आज से विदेशी दौरा पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाने की तरफ देख रही है और बेहद गंभीर है, जिसके तहत ये पिछले महीने नवंबर में ही निर्णय ले लिया गया था कि फरवरी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक, उसके लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। उसी लिहाज से आज पशुधन मंत्री जो है वो विदेशी दौरा करेंगे, और उसके बाद जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह है वो अमेरिकी दौरे पर रहेंगे, और इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष भी जो है अपना जल्द ही विदेशी दौरा आरंभ करेंगे, और जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। तो जिस तरह से योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देख रही है, बेहद ही संजीदगी से देख रही है और बेहद ही गंभीर है, उसके लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आयोजित की जाएगी वहाँ यूरोपीय देशों के मुख्यतः 6 देशों के निवेशकों को और कुल 18 विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को न्योता देगी कि आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, हम आपको सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए यह विदेशी दौरा निर्धारित किया गया है। मयूरी, विवेक, उत्तर प्रदेश के कई मंत्री विदेशी दौरे पर रहेंगे, तो ये भारत के लिए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इससे भारत को क्या कुछ फायदे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात की उत्तर प्रदेश जो है इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से 72 लोकसभा सीटें होती हैं और 503 विधानसभा सीटें होती है, तो ये एक अपने आप में अगर राजनीति की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भी, और अगर युवाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो विदेशी निवेशक के आने से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यूरोप के कुल 6 देश फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, इंग्लैंड और नीदरलैंड, ये 6 देश है जहाँ से निवेशकों को अप्रोच किया जाएगा यूपी में निवेश करने के लिए, कुल 18 विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को लाया जाएगा। अगर विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे रुक करती हैं, अगर ये 6 देशों की विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे रुक करती है, तो आने वाले समय में विश्व की और भी बड़ी जो अर्थव्यवस्था वाले देश है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको अप्रोच भी किया जाएगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और जो उत्तर प्रदेश के जो युवक है जो रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाते रहते हैं उनका वो पलायन बंद होगा, और जो उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएँ हैं जो दूसरे राज्यों से लेकर दूसरे देशों तक जाती हैं वो प्रतिभा यही काम करेगी और देश के विकास के लिए काम करेगी। तो सबसे बड़ा फायदा जो है उत्तर प्रदेश राज्य और भारत का इससे है कि यहाँ की जो प्रतिभाएं वो पलायन नहीं करेंगी और इस देश के, उस प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेंगी। मयूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका। गोमती किनारे अब एडवेंचर सफारी होगी, लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बहुप्रतीक्षित लखनऊ आई भी गोमती किनारे बनाई जाएगी, पर्यावरण रायबरेली और योगा सेंटर भी स्थापित होगा।
हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग की भी सुविधा मिलेगी। प्रदर्शन और कार्यक्रम के आयोजन स्थल विकसित होंगे। रिवर फ्रंट के संचालन के लिए 6 विभागों की कमेटी बनी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार किया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ में गोमती किनारे अब एडवेंचर सफारी होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ गोमती नदी के किनारे एक एडवेंचर सफारी बनाने की कवायद कर रहा है, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो उसकी देखरेख करेंगे। जैसा कि अभी गोमती रिवर फ्रंट का जो मामला उठ रहा था लगातार, तो कहीं ना कहीं वो स्थान बेकार हो चुका था, किसी तरीके का नहीं, कोई पर्यटक स्थल नहीं था। अब उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए, एक टहलने घूमने की जगह बनाने के लिए, सफल उसको बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण इसके लिए सजग हो गया है। और वहाँ पर एक सफारी का पूरा क्षेत्र बनेगा, खेल कूद का बनाया जाएगा, योगा अभ्यास का केंद्र बनाया जाएगा, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो वहाँ पर बनाई जाएंगी। रितेश, कई शहरों में एडवेंचर सफारी है, तो और शहरों से कैसे अलग रहने वाला है लखनऊ का एडवेंचर सफारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लंदन आई की तर्ज पर ये लखनऊ आई यहाँ पर सफारी बनाया जा रहा है, लंदन के तर्ज पर, और बाहर की निजी कंपनियाँ इस पर काम करेंगी, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाएंगी। पर्यावरण लाइब्रेरी की सुविधा इसमें रहेगी, योगा सेंटर भी इसमें बनाया जाएगा, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, साइकिलिंग राइडिंग की इसमें सुविधा रहेगी, और प्रदर्शन के लिए कार्यक्रमों का ये स्थल भी बनेगा। कहीं ना कहीं ये देखने वाला केंद्र होगा, जो भी लोग यहाँ कोई प्रदर्शन या किसी प्रकार का कार्यशाला या किसी तरह की कार्य योजना यहाँ करते हैं तो ये जगह पे वो कर भी सकते हैं। अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि अभी यहाँ पर शादी विवाह के लिए या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी इस जगह को उपयोग में लाया जा सकता है। हालांकि लखनऊ वालों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर होगी कि लखनऊ के बीचों बीच शहर में गोमती नदी के किनारे सफारी होगा और वहाँ बच्चे खेल कूद सकेंगे, झूले का भी चीज़ होगा। हालांकि अभी लखनऊ में 350 करोड़ रुपये की लागत से नाइट सफारी का भी प्रायोजन किया गया है कुकरेल बंदे के पास में, इंदिरा नगर क्षेत्र में। तो इस तरीके से जो अभी लंदन आई की तर्ज पे लखनऊ आई कि यहाँ बनाया जा रहा है यहाँ पर सफारी, उसके लिए कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों के लिए राहत की खबर है और एक अच्छा घूमने का केंद्र होगा, टहलने का केंद्र होगा, बहुत ही अच्छी जगह बन करके निकलेगी। रितेश, इससे पर्यटक को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि यदि कहीं घूमने टहलने की जगह होगी, कोई पार्क विकसित होगा, कोई क्षेत्र विकसित होगा और अगर कोई आकर्षक का केंद्र होगा तो वहाँ पर्यटक जरूर आएंगे, और यदि पर्यटक आएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सभी को फ़ायदा होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से लेकर के हो, चाहे वो होटलों से लेकर के हो, या लखनऊ में वो रोज़गार को, स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के देखा जाए तो आने जाने वाली गाड़ियों को लेकर के बाहर से लोग जो इसको देखने आएंगे तो वो कहीं ना कहीं इससे प्रभाव भी पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा ये सूचना भी जारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए जो 6 टीमें बनाई हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके संचालन के लिए, देखरेख के लिए कमेटी ने LDS सचिव, अपर नगर आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, अभियंता और लेसा के और क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे, इनकी देखरेख में होगा। हालांकि अभी सिंचाई विभाग और CBI के घेरे में जो मामला छानबीन चल रहा है उनसे ये बातचीत करके उसके बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा, और काम शुरू करने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा केंद्र बनेगा लखनऊ वासियों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही आकर्षक भरा केंद्र होगा, जो कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ योगाभ्यास और बच्चों के खेलकूद के लिए और साइकिलिंग के लिए हर चीज़ की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिविल लाइन चौकी कोतवाली नगर की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौजूद, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी ने फांसी लगाई, सिविल लाइन चौकी कोतवाली नगर की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौजूद, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी ने फांसी लगाई है। सिविल लाइन चौकी कोतवाली नगर की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौजूद। सिविल लाइन चौकी कोतवाली नगर की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौजूद। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी ने फांसी लगाई है। रायबरेली से खबर है। सिविल लाइन चौकी कोतवाली नगर की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौजूद। इस खबर पर संवाददाता बलवंत हमसे जुड़ेंगे। बलवंत, संदिग्ध परिस्थिति में युवती ने फांसी लगाई है, क्या वजह है फांसी लगाने की, क्या कुछ पूरा मामला है? बताना चाहूंगा कि ये सिविल लाइन के पास घोड़ा बाजार पावर हाउस के सामने कोतवाली नगर के उसमें एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने फांसी लगाई है और इसकी जो है अभी जांच कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस विश्वजीत अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि ये नाबालिग लड़की जो फांसी लगाई है इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद बलवंत तमाम जानकारियों के लिए। बेखौफ दबंग ने गोली चलाई, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठाकुरगंज के सरफराजगंज से दबंग ने गोलियां चलाकर बंद कराई दुकान। मोहल्ले में गोली चलने से लोगों में दहशत का माहौल। पैसे के लेन देन के मामले में दबंग ने कई राउंड फायरिंग की। थाना प्रभारी ठाकुरगंज ने घटना की जानकारी से इनकार किया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ जानकारी नहीं लगी। बेखौफ दबंग ने गोली चलाई है, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। ठाकुरगंज के सरफराजगंज में दबंग ने गोलियां चलाकर बंद कराई दुकान। मोहल्ले में गोली चलने से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। पैसे के लेन देन के मामले में दबंग ने कई राउंड फायरिंग किए। थाना प्रभारी ठाकुरगंज ने घटना की जानकारी से इनकार किया है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ जानकारी नहीं लगी। बेखौफ दबंग ने गोली चलाई है, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओवैस हमसे जुड़ेंगे। ओवैस, दबंग की दबंगई का वीडियो सामने आया है, गोली चलाते हुए दबंग नजर आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मामला थाना ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर दबंगों ने दुकान बंद कराने को लेकर कुछ पैसे की लेन देन की बात निकल कर आ रही है। उसके बाद दुकान बंद कराने को लेकर असलहे से फायरिंग करी है, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वो चीज आने के बाद भी बात फिर पुलिस सक्रिय हुई है। पहले पुलिस ने इनकार कर दिया था घटना की जानकारी देने से। उसके बाद जब ये मामला सीसीटीवी फुटेज में जब मीडिया में प्रकाश में आया है, उसके बाद जो है ये खबर चली है। और ये दबंग ने साफ तौर पे आप देख सकती हैं उसके अंदर के जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज में दबंग जो है लगातार कैसे असलहे के बल पे दुकानें बंद करवा रहा है। जी धन्यवाद वैसे तमाम जानकारियों के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।